रीवा में चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले आचार्य चरक की जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम के उपरांत आचार्य चरक की शोभा यात्रा निकाली गई है। यह कार्यक्रम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा और विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। चिकित्सा शास्त्र के चरक संहिता में जो कहा गया है वही दूसरी जगह भी है, और जो चरक संहिता में नहीं है वह कहीं भी नहीं है, और यह कोरोना काल में आयुर्वेद ने सिद्ध कर दिया है। यह स्वास्थ्य जागरूकता रैली आयुर्वेद कॉलेज से निकल के वेंकट मार्ग होकर स्टेच्यू चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्राया से होते हुए कोठी में शंकर जी के मंदिर में समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा में आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जिला आयुष अधिकारी शारदा मिश्रा, विश्व आयुर्वेद परिषद के महासचिव डॉक्टर एस एन तिवारी, सभी शिक्षक गण व छात्र छात्राएं शामिल रहे। शेषनाग के अवतार हैं आचार्य चरक, जो चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, उनकी जयंती है आज। उसके उपलक्ष्य में अभी महाविद्यालय में कार्यक्रम था, आचार्य चरक का पूजन हुआ है उनका। उसके पश्चात आचार्य जो हमारी चरक संहिता है, चिकित्सा का ग्रंथ है, कहा जाता है कि यानी चिकित्सा शास्त्र में जो चरक संहिता में है वही दूसरी जगह है, जो चरक में नहीं है वो दूसरी जगह नहीं है। इसको कोरोना काल में सिद्ध भी कर दिया है आयुर्वेद ने। तो आयुर्वेद के जो जनक हैं आचार्य चरक, उनकी शोभा यात्रा के द्वारा हम लोग एक स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाल करके और स्वास्थ्य का संदेश देना चाहते हैं। ये रैली कहाँ कहाँ होकर जाएगी? ये रैली यहाँ से निकलेगी वेंकट मार्ग होकर के, और स्टेजू चौराहा, प्रकाश चौराहा से शिल्पी प्लाजा में जो ट्रैफिक थाना है वहाँ से कमिश्नर ऑफिस होते हुए और कोटिंग अपाउंड में भगवान शंकर का जो मंदिर है वहाँ पर समाप्त हुआ। कौन कौन शामिल है इस रैली? ये कार्यक्रम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा और विश्व आयुर्वेद परिषद रीवा के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इसमें माननीय प्राचार्य महोदय हमारे डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जिला आयुष अधिकारी शारदा मिश्रा, और मैं डॉक्टर एस एन तिवारी, विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ, हमारे संहिता विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभंजन आचार्य, और सभी शिक्षकगण और हमारे सभी पीजी और यूजी के छात्र इसमें सम्मिलित हैं।